सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। जसवीर सिंह कनाडा से आपके साथ बात कर रहा हूँ। आज सुबह जब मैं उठा तो टेम्परेचर था -13 डिग्री सेंटीग्रेड और फील लाइक -19, -19 डिग्री। फील लाइक इतना कम क्यों था? क्योंकि हवा बड़ी तेज़ चल रही थी। तो अभी दोपहर के 1:10 हुए तो मैंने देखा सनी वेदर है, हवा तो चल रही है, हवा की स्पीड 22-23 किलोमीटर पर आवर है। तो मैंने कहा चलो अभी मौका अच्छा है, टेम्परेचर भी इस समय -3 डिग्री सेंटीग्रेड है पर फील लाइक -9 है, तो दैट मीन्स इट्स वेरी कोल्ड। हवा इतनी तेज़ चल रही कि चलना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। फिर भी मैंने सोचा चलो वॉक करके आए, तो काफ़ी वार्म क्लॉथ्स जो यहाँ के हैं, गर्म कपड़े, वो पहने हुए हैं। तो ठंड फील सिर्फ मेरे हाथ पे हो रही क्योंकि मैंने कैमरा पकड़ा हाथ में, और या ठंड लग रही मुंह पे, फेस पे, जहाँ हवा लगती है। बाकी कपड़े ऐसे ही यहाँ मिलते हैं कि -15, -30 डिग्री हो तब भी अपने के शरीर को आपको कहीं बॉडी में सर्दी नहीं फील होती। तो मैंने कहा चलिए आज मौसम है अच्छा, सनी है, तो कुछ चलने लायक है, तो वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं जैसे पहले भी कहता हूँ कि मेरे वीडियोस को आप लाइक करते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मैं आज दिखा रहा हूँ आपको वॉक करते समय क्या व्यू है। थोड़ी सी रोड ये जो है, देखिए थोड़ी ग्रेडियंट अपवर्ड है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रही, तो चलते हुए भी थकावट फील होती है। ये देखिए जो पैदल चलने का रास्ता है उसके दोनों तरफ कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है, ट्रैफिक भी किसी किसी समय कोई नज़र आता है, सैर करने वाले जो अपने डॉग को घुमाने वाले भी किसी समय कोई नज़र आते हैं पर ज़्यादा लोग नहीं हैं। तो मैंने सोचा आज ये शेयर करें। आप देखिए कनाडा के मैं टोरंटो एरिया में हूँ, इसको ग्रेटर टोरंटो एरिया बोलते हैं, GTA। यहाँ आजकल COVID-19 की वजह से स्टे एट होम की इंस्ट्रक्शन है, घर पे रहिए, बाहर ना निकलिए। पर यहाँ देखिए सैर करना, एक्सरसाइज करना इम्पॉर्टेंट गिना जाता है, जैसे हमारे कंट्री में भी है। तो दे अलाउ यू टू गो आउट फॉर ए वॉक, फॉर एक्सरसाइज। तो मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ इस समय क्या है। अब सामने मेरे एक हाईवे है और हाईवे से पहले लेफ़्ट साइड पे एक छोटा सा शॉपिंग सेंटर है, मैं आपको दिखाऊंगा। राइट साइड पे एक ग्राउंड है जो पूरा वाइट है, बर्फ़ से भरा हुआ। साइड पे देखिए जो गैरेज को रास्ता जाता है, लोगों ने साफ़ किया हुआ, बर्फ़ साइडों पे इकट्ठी की हुई है, कई जगह तो बहुत ऊंचे ऊंचे ढेर भी लगे हुए हैं। ये फेडएक्स की गाड़ी जा रही है जो पार्सल डिलीवर करते हैं। ये साइड में एक मार्केट है, सामने हाईवे के लिए रेड लाइट नज़र आ रही है आपको, बर्फ़ कईयों ने तो यहाँ से साफ़ की होती जनरली पर कुछ लोग नहीं करते, तो ये बर्फ़ जमी हुई है पैसेज पे भी, वॉकिंग ट्रैक पे भी, साइडों पे देखिए। ये मार्केट का व्यू है, बर्फ़ देखिए कैसे जमी हुई, बट व्हीकल चल रहे हैं। अब मैं ये सामने आप देख रहे हैं हाईवे,
ये बर्फ़ इकट्ठी हुई हुई रोड वाली बर्फ़, ये पैदल चलने का रास्ता, ये राइट साइड पे जो मैं आपको कह रहा था ग्राउंड है, ग्राउंड इज़ वाइट, देखिए पूरा वाइट। यहाँ चल कुछ लोग क्रॉस करके गए इसमें से, बर्फ़ के अंदर से उसके पैरों के निशान हैं। अब मैं आगे चल के और दिखाता हूँ, ये देखिए प्लांट्स की हालत, इतनी सर्दी के कारण एक भी पत्ता नहीं है इन पे, नो लीफ, ऑल लीव्स हैव फॉलन 3 मंथ्स अगो, 2 मंथ्स अगो रादर। ये ग्राउंड जो वाइट हुआ हुआ है, एक आपको ये दिखा रहा हूँ स्टोरेज की जगह बन रही, ह्यूज स्टोरेज की जगह। मेरे ख्याल कैमरे से आपको जहाँ तक नज़र आए इतना दूर तक ये बिल्डिंग बनी हुई है, जिसमें यहाँ ये बताते हैं कि 1.7 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया है इसके अंदर। तो ये जनरली फुलफिलमेंट सेंटर बनते हैं, जैसे कोई कंपनी अमेज़न वगैरह यहाँ अपना स्टोर बना लेती हैं, यहाँ मैन्युफैक्चरर से सामान आके यहाँ रखा जाता है और जब ऑर्डर आते हैं तो उस हिसाब से यहाँ से डिलीवर होते हैं। देखिए ये लेफ़्ट साइड पे जिस पैसेज पे मैं चल रहा हूँ कितनी बर्फ़ जमी हुई है, राइट साइड पे वही ग्राउंड है जो बर्फ़ से भरा हुआ है। ट्रैफिक का व्यू दिखाऊं, ट्रैफिक तो फास्ट स्पीड से चल ही रहा है यहाँ, तो बर्फ़ है या नहीं बर्फ़ है तो स्पीड से चलता रहता है। जब भी बर्फ़ पड़ती है यहाँ से स्नो हटा दी जाती है और गाड़ियाँ चलती रहती हैं। ये वो स्टोरेज स्पेस दोबारा दिखा रहा हूँ, दूर तक आप देख सकते हैं, ह्यूज स्टोरेज स्पेस है। तो सर्दी इतनी है कि कैमरा हाथ में पकड़ा हुआ और हाथ ऐसे लग रहे हैं जैसे फ्रीज हो गए, इतनी ठंडी हवा चल रही है। तो आज मैं इतना ही वीडियो शेयर कर रहा हूँ, फिर कभी और कोई अच्छा मौका देख के, अच्छा सीन देख के, अच्छा टाइम देख के आपके साथ नेक्स्ट वीडियो शेयर करूँगा। मेरी रिक्वेस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे वीडियो नज़र आए, अपने दोस्तों मित्रों से भी शेयर कीजिए। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।